हम ये बात कर रहे हैं कि लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल इम्पोर्टेंट क्यों है। हमने यहाँ से बात शुरू की, अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ है। इसका एक ऑब्वियस आंसर ऐसे होना चाहिए, क्योंकि हमने जब बात की थी वो पांच जो हमने असूल सर्कुलेशन के पढ़े थे, तो उसमें हमने बात की थी कि जो कार्डिक आउटपुट है वो सम है ऑफ ऑल द टिश्यूज ब्लड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स का जहाँ पे जिक्र आ जाता है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स का जिक्र आ जाता है वहाँ पे फिर वेरिएशन का जिक्र आता है। मिसाल के तौर पर अब आप इधर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के, देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स का आपको नाम यहाँ पे दिया गया है। बेटे मैंने अपनी पहले चेक कर ली आवाज, मेरी आवाज आपको आनी चाहिए, ठीक है, आई विल जस्ट कैरी ऑन। अब जैसे लंग्स है, लंग जो है वो पूरे का पूरा कार्डिक आउटपुट उसको अकोमोडेट करना पड़ता है विद एवरी स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो लंग की भी एक एग्जांपल है। इसके अलावा फिर जीआईटी किडनी स्केलेटल मसल्स की है, ये 25-25% जो है जो नॉर्मल एट एनी टाइम ब्लड फ्लो है ये उसको अकोमोडेट करती हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल में एक्सरसाइज के वक्त ब्लड फ्लो काफ़ी बढ़ सकता है। ठीक है, तो अच्छा बेटे जिसको आवाज नहीं आ रही ना वो प्लीज अपना मैं तो लिख भी देता हूँ, स्टूडेंट्स हू हैव प्रॉब्लम्स ओके। तो बात ये हो रही है कि लोकल ब्लड फ्लो की ज़रूरत क्या है। तो वेरियस ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट ब्लड फ्लो होना चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। ठीक है, हमने यहाँ पे बात की है लंग्स की, तो लंग्स को आप देखेंगे तो यूनिक बात है कि पूरा का पूरा कार्डिक आउटपुट वो उनको अकोमोडेट करना होता है, जाहिर है। और उसके बाद मैंने आपको दो तीन यहाँ पे एग्जाम्पल्स और दिए हैं जहाँ पे 25-25% जो टोटल कार्डिक आउटपुट है उसका 25-25% इन लोगों को इन ऑर्गन्स को आ रहा है। और इसमें भी फ्लक्चुएशन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि उनकी रेजिस्टेंस कितनी है और रिक्वायरमेंट कितनी है। आपने रिक्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर देना है। तो अगर जैसे मैं स्केलेटल मसल की बार बार एग्जांपल देता हूँ कि अगर स्केलेटल मसल एक्सरसाइज कर रहा हो तो उसकी जो ब्लड फ्लो ब्लड रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड है, वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो फिर अपना कोई इंतजाम करेगा और उसका ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक तरह का इंट्रोडक्शन है कि जी लोकल ब्लड फ्लो कर, लोकल से मुराद टिश्यू ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने की एक तो ज़रूरत क्या है, दूसरा इस पूरे सब्जेक्ट की पढ़ने की इसमें इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस यही है कि टिश्यूज़ अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से उनको ब्लड फ्लो चाहिए ही चाहिए होता है, और वो उसको अगर वो बढ़ जाए ज़रूरत तो वो उसको बढ़ा पाएँ। ये चीज़ हम आज इसको देखेंगे कि वो कैसे बढ़ाते हैं अपनी ज़रूरत, यानी नॉर्मल ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा वो ब्लड फ्लो वो कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, बेटे लंग्स के एंटायर कार्डिक आउटपुट का मतलब ये है कि आप जानते हो कि राइट वेंट्रिकल जो है उस वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारे का सारा ब्लड वो लंग्स में जाता है ना। राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के जरिए सारे का सारा ब्लड लंग्स में डालता है, जबकि लेफ्ट जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सारी बॉडी को एक्सेप्ट लंग्स सारी बॉडी को वो सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये है फर्क राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, चलो ओके। तो अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म को हम थोड़ा सा पहले ओवरऑल देखते हैं और फिर उसके हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ये कोई प्लीज अलीशे को कोई बता दे कि वो परेशान ना हो। ठीक है, एंड कुड यू प्लीज टेल हर नॉट टू टेक्स्ट टू मच, इस बच्चे इससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अगर उसको आवाज नहीं आ रही तो टेल हर, कोई उसको टेक्स्ट कर दे कि भाई इसका आप बाद में कर लें, देख लें इसको, ये यूट्यूब पे आ जाएगा। इस तरह टेक्स्टिंग से ना बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, तो मैकेनिज्म्स की अब बात कर लेते हैं। तो बेटे एक तो आपने बात जो नोट करनी है ना वो ये नोट करनी है कि
एक लोकल ब्लड फ्लो है, ठीक है, और एक सेंट्रली इनिशिएटेड है, यानी नर्वस सिस्टम उसको कर रहा है कंट्रोल, या फिर हार्मोनल हार्मोन्स कर रहे हैं उसको कंट्रोल, ठीक है। तहरीम, कुछ प्लीज टेल अलीशा कि सर का माइक खुला हुआ है, उसका स्पीकर बंद है। ओके, थैंक यू। राइट, सो मैकेनिज्म जो है वो या तो लोकल बैठे होंगे या सेंट्रल होंगे, यानी अगर आप मिसाल के तौर पर मसल की बात कर रहे हैं तो मसल या तो लोकल अपना ब्लड फ्लो कंट्रोल कर पाएगा, या फिर ऐसे अवामिल होंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएंगे या किसी हार्मोन के जरिए आए, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं लोकल के, लोकल ये लोकल मामला क्या है। तो यहाँ पे हम लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल्स में फर्दर आगे या जिस तरह से मैंने लेक्चर बनाया है, इंशाल्लाह आपकी मेरी पूरी कोशिश यही होगी, हमेशा यही होती है कि ये साथ साथ आपको लेक्चर याद ही हो जाए, ठीक है। वो ये है ही ऐसा, इसका फ्लो ही ऐसा है कि आपको याद हो जाएगा। तो अगर आप ये याद कर लें कि ओवरऑल देर आर टू, लोकल लोकल और सेंट्रली यानी नर्वस या हॉर्मोनल। उसके बाद लोकल में, लोकल के अंदर देर आर फर्दर टू डिविजन्स, लॉन्ग टर्म या अक्यूट एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो हम ये करने लगे नाउ, अब एक एक्यूट है और दूसरा लॉन्ग टर्म, ठीक है। एक्यूट जो है उसका मतलब ये है कि वो सेकंड्स टू मिनट्स में एक्टिवेट होता है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि वो डेज से लेकर मंथ्स तक काम करता रहता है, ठीक है। एक्यूट जल्दी एक्टिवेट होगा और लेकिन देर तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि बहरहाल वो एक्यूट है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म है वो जल्दी किक इन नहीं करेगा, थोड़ा देर लगेगी उसको किक इन करने में, लेकिन वो लंबे अरसे तक काम करता रहेगा, ठीक है। ये बेटे फर्क है एक्यूट में और लॉन्ग टर्म में, ठीक है। नाउ एक्यूट में जो जरा मोटी बात है, हम बाद में भी डिटेल बात अभी करेंगे कि रैपिड चेंजेस इन लोकल वेजो कंस्ट्रक्शन, वो जो मैंने आपसे बात की। अब बात क्या है मेन, कि ये फिर वही बात आ गई, वेजो कंस्ट्रक्शन एंड वेजो डायलेशन, ठीक है ना। ये वो चीजें हैं क्रॉनिक बेटे हम बीमारियों में कहते हैं, जब हम मैकेनिज्म्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें लव्ज लॉन्ग टर्म ही इस्तेमाल होता है। अक्यूट और क्रॉनिक, क्रॉनिक से यूजली मुराद कोई बीमारी वगैरह नहीं जाती है, ठीक है। तो ये है क्रॉनिक से, यानी एक बुरी चीज ही होती है यूजली क्रॉनिक जनरली, तो इसके लॉन्ग टर्म बेहतर उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक्यूट में हम वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन से ही डील कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आर्टीरियोज की हो, चाहे वो मेटा आर्टीरियोज की हो, चाहे वो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स की हो, ठीक है। लेकिन बात यही होगी कि उनका जो वेसल्स का डायमीटर है उसको फैला के या उसको सुखेड़ के, बिल्कुल कोमल डायमीटर चेंज की बात होगी जब भी हम एक्यूट की बात करते हैं, ठीक है। ओके, अब अजान हो रही है, हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है, यही सब दोबारा स्टार्ट करेंगे। ओके बेटे, वेलकम बैक। अच्छा, हम बात कर रहे थे एक्यूट मैकेनिज्म्स की, तो एक्यूट मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं ब्रीफली कि ये
अच्छा सवाल आ गया, ब्लड फ्लो डिक्रीजेस इन आर्टेरियल बिकॉज़ ऑफ मोर रेजिस्टेंस, सो एज अ रिजल्ट प्रेशर इंक्रीजेस ड्यूरिंग वेजल कंस्ट्रिक्शन. जी बेटे दैट्स करेक्ट. ठीक है, लेकिन अभी हम क्योंकि फ्लो से ज्यादा कंसर्न है तो पीछे अगर थोड़ा बहुत प्रेशर इंक्रीज भी हो जाए या डिक्रीज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ब्लड फ्लो से मकसद है. ठीक है, ओके. लॉन्ग टर्म में जैसे आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल गुफ्तगू हो रही है, यानी स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है. ये देखो, इसको मैं ना हमेशा कहता हूँ चेपी लगाना, ये चेपी है, ये टेम्पररी मेजर है. गुड्डी जब थोड़ी सी ना काइट आप उड़ाते हैं तो अगर हल्की सी फट फुट जाए, आप तो शायद पता नहीं उड़ाते हो नहीं उड़ाते हो, आपके भाई जरूर उड़ाते होंगे, वो जो अगर कोई हल्की जगह से फट जाए तो उधर एक टेप हुआ करती थी हमारे जमाने में, तो उसे चेपी कहते थे. तो चेपी लगा के वो काइट उड़ा लेते हैं, तो मैं इसको हमेशा चेपी कहता हूँ. ये जो रैपिड जो भी रैपिड चेंजेस आती है ना बॉडी में रेगुलेशन वाली, वो चेपी लगती है बस, ये नहीं वक्ती तौर पर, जैसे पाकिस्तान चल रहा है वक्ती तौर पर बस एडॉक इधर कर दिया, वजीर चेंज कर दिया, फला कर दिया, ढुका कर दिया, कोई असल चेंज तब्दीली नहीं है, बस चेपी लगती है. यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बाकायदा तब्दीली है. कैसे कि जनाब, इंक्रीज इन साइज, आपने वैसा का साइज इंक्रीज की कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप हमें टाइम दे दें. आप उसके नंबर भी इंक्रीज कर सकते हैं, यानी यहाँ पे एक वैसल या दो वैसल जा रही है, वहां पे चार कर दें. जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें टाइम दरकार है, तो ये टाइम लेगा, लेकिन ये हो जाए. ठीक है, तो ये है बेटे लोकल के अंडर एक्यूट और लॉन्ग टर्म की बड़ी ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है. उसके बाद हम ये एंड में ये देखेंगे कि नर्वस और हार्मोनल जो सेंट्रल, जिसे हम कह रहे हैं सेंट्रल मैकेनिज्म्स, इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है, और फिर हार्मोन्स हैं जिसमें हिस्टामिन आता है, ब्रैडीकाइनिन आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह आता है. तो ये लिस्ट दी गई है, उसको लिस्ट आपने थोड़ा सा जहन में रखना. ठीक है, चलें अब हम आगे चलते हैं. इससे पहले कि हम एक्यूट मैकेनिज्म्स करें, थोड़ी सी आपकी हेल्प के लिए ये स्लाइड में कुछ मैकेनिज्म्स कह लो या थ्योरीज कह लो, वो दो हैं मेन जो आगे आपको जो एक्चुअल एक्यूट और लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म्स हैं उसमें इस्तेमाल होती हैं. ये टेक्नोलॉजी कह लो, थ्योरी कह लो, जो भी कह लो उसको. अच्छा सवाल है सर, ये लोकल किस टाइम पे होगा और नर्वस किस टाइम पे होगा? बेटा ये बैकवर्ड होता है. ओके, तो थ्योरीज कह लो, टेक्नोलॉजी कह लो, ऐप कह लो, जो भी कह लो, ये वो तरीक़ेकार है, ये वो तरीका वारदात है जिसके वो मुख्तलिफ एक्यूट एंड लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं. अब चाहे वो वेजोडायलेटर थ्योरी को इस्तेमाल करें या वो ऑक्सीजन डिमांड को इस्तेमाल करें या वो दोनों को इस्तेमाल करें. ठीक है, तो ये एक चीज़ है. ठीक है ना, ये आगे जब इसकी एप्लीकेशन आएगी तो आप लोगों को समझ में आएगा. अभी सिर्फ इसको देख लो कि वेजोडायलेटर थ्योरी में की थ्योरी है क्या. थ्योरी ये है कि भाई ये को दो तीन चीज़ें हैं, एडिनोसिन, कार्बन डाइऑक्साइड, हिस्टामिन, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन. ये जब ज्यादा टिश्यू में, अब ये सारी बात लोकल, लोकल से मुराद, लोकल से हमारी मुराद है ये जो लोकल, जब हम बात करते हैं लोकल ब्लड फ्लो, ये मतलब है टिश्यू का ब्लड फ्लो. तो टिश्यू के ब्लड फ्लो की बात हो रही है. ठीक है, ये देखो ना टिश्यू से बनाया, ये टिश्यू सेल्स हैं, ये भी टिश्यू सेल्स हैं, ये भी टिश्यू सेल्स हैं सारे. ठीक है, तो यहाँ पे अब इस माहौल में ये वाली, इस माहौल में ये वेसल बनाई हुई है उसमें. ठीक है ना, ये सारी वेसल बनाई हुई है, यहाँ पे ब्लड फ्लो आ रहा है और ये मोहल्ला है समझो, ये पूरा मोहल्ला टिश्यूज का है, इसके सेल्स हैं और इसके अंदर से एक ब्लड वेसल गुजर रही है. अब वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि वेजोडायलेटर थ्योरी होती क्या है. वेजोडायलेटर थ्योरी ये होती है कि जब मेटाबॉलिज्म जरा इंक्रीज हो जाए इन सेल्स का, तो इनमें एडिनोसिन बनना शुरू हो जाती है. अब आप पूछेंगे एडिनोसिन कहाँ से आती है, बताएं एडिनोसिन कहाँ से आती है? एडिनोसिन कहां से आती है? ये जी बच्चों, एटीपी से. शाबाश, एटीपी से. ठीक है, वेरी गुड, ये माशाल्लाह सबको आता है. वेरी गुड, वेरी गुड. सो जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा एक टिश्यू का, तो वो एटीपी को तोड़ेगा. जब वो एटीपी को तोड़ेगा तो उसका एटीपी एडीपी में चेंज हो जाएगा. ठीक है ना जी, अब एडीपी आ गए फिर एडिनोसिन में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो एडिनोसिन का बढ़ना टिश्यू में,
ये इशारा देता है कि भाई ये जो टिश्यू है ना, ये जो मोहल्ला है, ये एक्टिव हुआ है काफी, ठीक है ना। तो ये जो वेसल है, अब इनका कुछ कर लें आप, इनमें ब्लड ज्यादा आना चाहिए, फ्लो ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, क्योंकि एडीनोसिन ज्यादा बन रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एडीनोसिन है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एडीनोसिन हमने कर लिया, बिल्कुल वैसे ही एक एक्टिव टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, सही है ना। मेटाबॉलिज्म की ही गैस है ना कार्बन डाइऑक्साइड, उसी से बनती है। बिल्कुल इसी तरह से वहां पे हिस्टामिन भी प्रोड्यूस होगा, पोटेशियम आयन भी प्रोड्यूस होंगे और हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस होंगे। बुनियादी तौर पर ये सारे वेजो डायरेटरी सब्सटेंसेस हैं, ये सारे सब्सटेंसेस वेजो डायरेटरी सब्सटेंसेस हैं, और ये रिलीज होते हैं एक्टिव टिश्यूज में ऑल द टाइम। लेकिन जब वो एक्टिव टिश्यूज ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी वजह से, तो इनकी जो मिकदार है, तादाद है या अमाउंट है, वो भी ऊपर चली जाती है। जब इनकी अमाउंट ऊपर चली जाती है तो ये वेसल्स को मजबूर कर देते हैं कि वो डायलेट करें, क्योंकि ये वेजो डायलेटरी सब्सटेंसेस हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर ज्यादती में बने तो इनको ले जाना बहुत जरूरी है। लेकिन ज्यादा जब बन रहे होंगे तो कौन ले जाएगा इनको, जाहिर है ब्लड ही लेके जाएगा, ब्लड ही वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करता है ना। अब वो ज्यादा ब्लड चाहिए होगा तो फिर कुदरत ने कुछ इनके अंदर एक ऐसी एक खासियत रखी है कि ये वेजो डायलेटरी भी हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स लेकिन ये वेजो डायलेटरी भी हैं। तो वेजो डायलेशन जब हो जाती है इन वेसल्स में तो ज्यादा ब्लड आता है, तो इनको क्लियर करने में मदद मिलती है। और बहुत इंपॉर्टेंटली, जो इस ज्यादा ब्लड आने की वजह से जो ऑक्सीजन और जो सब्सट्रेट्स होते हैं वो भी ज़्यादा ज्यादा आते हैं, तो इसकी रिक्वायरमेंट जो बड़ी हुई होती है वो भी एड्रेस हो जाती है, ठीक है। वेजो डायलेटरी थ्योरी ये है, ये बात समझ में आ गई वेजो डायलेटरी थ्योरी सबको। और बताएं मुझे, ताकि मुझे आइडिया हो कि मुझे लग रहा है 2-3 बच्चों को, बेचारों को आवाज नहीं आ रही, जिनको आ रही है सिस्टम पे सिर्फ 60 बच्चे हैं। ओके, सो फाइन, गुड, नाउ ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं इसे क्लियर करते हैं, और अब हम एक इंतहाई जरूरी चीज पे मार्क करते हैं, और वो ये ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी। बेटा ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी वेरी वेरी सिंपल, जैसे ऊपर आपने पढ़ा ना वेसोडायलेटरी थ्योरी, वैसे एक ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी होती है। ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी ये कहती है कि भाई जब टिश्यूज अपनी मेटाबॉलिज्म को अप कर देते हैं तो उनकी जो टिश्यू ऑक्सीजन होती है वो कम पड़ जाती है, ठीक है। जब वो टिश्यू ऑक्सीजन कम पड़ जाती है तो फिर कुछ होता है, कुछ ऐसा होता है कि रिलैक्सेशन ऑफ आर्टेरियोल्स और ऊपरी कैपिलरी स्फिंक्टर्स वगैरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब वेसोडायलेशन हो जाती है तो टिश्यू फ्लो बढ़ जाता है। जब टिश्यू फ्लो बढ़ जाता है तो वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेके साथ आता है, तो ये चीज को एड्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। दोनों थ्योरीज में फर्क समझ में आ गया। वेसोडायलेटर थ्योरी के मुताबिक वो टिश्यूज जो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाते हैं वो खुद ही एक ऐसी चीज प्रोड्यूस करते हैं जो वेसोडायलेशन कर करके अपने ब्लड फ्लो की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। हाउएवर ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी ये कहती है कि वो जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही होती है वो खुद भी एक वेजोडायलेटरी इफेक्ट रखती है, जिसकी वजह से वेजोडायलेशन हो जाती है और वो अपना वेजोडायलेशन होके फिर टिश्यू ब्लड फ्लो को रेगुलेट किया जाता है। यहां तक ठीक है बेटे, बात करते हैं एक्यूट मैकेनिज्म। अब एक्यूट मैकेनिज्म बेटे ये तीन, ऑटो रेगुलेशन, एक्टिव हाइपरीमिया और रीएक्टिव हाइपरीमिया, ये जो दो हैं ये आपने मेरा ख्याल है एफएससी में किए हैं, ऐसा ही है। ये दो एक्टिव और रिएक्टिव हाइपरीमिया का नाम सुना है पहले, मेरा ख्याल से सुना है, हाँ देखो ना। और बाकी बाकी बचे नहीं सुना, थोड़ा अफसोस हुआ, अच्छा मेजोरिटी ने नहीं सुना, चलो ठीक है, ठीक है आज कर लेंगे, नो वरीज, इट्स ऑल राइट, ये करने बैठे हैं। चलो
लेकिन चलो आपको मैं साथ से याद करवा रहा हूँ, जो एक्यूट मैकेनिज्म हमने पहले स्लाइड में किए थे वो तीन है, ऑटो रेगुलेशन, एक्टिव एक्टिव हाइपरीमिया, रिएक्टिव हाइपरीमिया। ठीक है, इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, मैं इधर ही आपकी ना कुछ जहन में निशानियां लगवा देता हूँ। बेटे ऑटो, ऑटो का मतलब आपको पता ही है, ऑटो का क्या मतलब होता है, ये लफ्ज जो ऑटो है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, ऑटो रेगुलेशन का मतलब ये हुआ कि टिश्यू के अंदर ऐसी चीजें ऑटोमेटिकली लगी हुई हैं जो खुद ही अपने ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती रहती हैं। जब ये मैं कराऊंगा तो आपको समझना चाहिए। फिर हाइपरीमिया का क्या मतलब होता है, हाँ जी खुद ही हाइपरीमिया का मतलब होता है इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, ये मतलब होता है हाइपरीमिया का। तो जहां पे आपने लफ्ज हाइपरीमिया पढ़ना है उसके वही मतलब है कि वो इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो है। ठीक हो गया। अब हाइपरीमिया दो टाइप का होता है, एक एक्टिव हाइपरीमिया होता है, एक रिएक्टिव हाइपरीमिया होता है। ठीक है, ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन पहले मैंने कहा आपका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करा दूं कि ये तीन एक्यूट मैकेनिज्म्स एक्चुअली हैं क्या। ठीक है, अच्छा जी, अब आप ये देखें कि ग्राफ को भी फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ें, ऑटो रेगुलेशन बात करते हैं। ठीक है, कि ऑटो रेगुलेशन क्या है। ऑटो रेगुलेशन जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर अपने ही मैकेनिज्म्स लगे हुए हैं, जज्बाती हो गए, उसने लाइन लगा दी बीच में, तो ये गंदे बच्चे ही लाइन हटाओ यहाँ से, अल्फा समथिंग, बस किसी बच्चे की गलती से ना लाइन लग गई, ये लाइन हटा दो बेटा। अच्छा आगे चलें, हम बात कर रहे थे ऑटो रेगुलेशन की। बेटा मैं ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा, जरा दो मिनट ठहर कर ऑटो रेगुलेशन पहले मैं डिस्कस करता हूँ। आपने एक बात याद रखनी है, आपने जो बात याद रखनी है वो है ये चीज, किडनी, ब्रेन, हार्ट और स्केलेटल मसल। ठीक है, ये जो चार चीजें हैं ये मशहूर और मारूफ हैं, इसमें खास तौर पर किडनी और ब्रेन अल मशहूर हैं अपना ब्लड ऑटो रेगुलेट करने के लिए। अब इसका ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेट करने के लिए, अब मैं आपको समझाने लगा, बात हो रही है कांस्टेंट ब्लड फ्लो की, आप गौर से सुनते जाएं बस। ठीक है, अब मैं किडनी बनाने की एक कोशिश करता हूँ, डायग्राम्स मेरी इतनी खास होती नहीं है वैसे, लेकिन कोशिश कर देता हूँ, ये कुछ बन ही गई है किडनी। ठीक है, ये किडनी है जनाब, और इसको एक ब्लड फ्लो आ रहा है, एक खास ब्लड प्रेशर पे आ रहा है। ठीक है, एक खास ब्लड प्रेशर पे इसको फ्लो आ रहा है। अब ये ब्लड प्रेशर समहाउ इंक्रीज हो गया। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, रीनल आर्टरी समझ लें, रीनल आर्टरी के पीछे जो रीनल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, यस, एओर्टा में समहाउ ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, अब किडनी हम कहते हैं, किडनी एक इंतहाई जरूरी और एक इंतहाई नहीं बेटा, ये हमेशा मेंटेन नहीं होता, मैं आपको दो मिनट ठहरते जरा मैं बताता हूँ, समझाने दो। अब ये जो है ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और ये अंदर से बहुत नाजुक है। अगर आपने इंक्रीज ब्लड प्रेशर को कायदे में ना रखा और आपने ये जो सुनामी है ये अंदर आने दिया, तो ये ना सिर्फ इसको डैमेज करेगा, इसके वेसल्स को डैमेज करेगा, बल्कि ये सारी फिर आगे भी गड़बड़ कर देगा। ठीक है, आपने किसी तरह से ये जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर है ना इसके आगे बंद बांधना है, ऐसे कि ये प्रेशर और ये फ्लो आगे ना जाए, किडनी को कांस्टेंट, ये देखो कांस्टेंट ब्लड फ्लो मिलता है। उसके लिए अब किडनी क्या करती है, ऑटो रेगुलेशन करती है, ऑटो रेगुलेशन करती है। आपको ये है सुन के हैरत होगी कि ऑटो रेगुलेशन का मतलब ये है कि किडनी जब इंक्रीज ब्लड प्रेशर और अचानक से इंक्रीज ब्लड फ्लो का सामना करती है। अब ये खत्म होने लगा है लेक्चर, ठीक है, ये फिर मैं दोबारा रिकनेक्ट करूंगा, कर परेशान ना हो। तो अगर ये जब इंक्रीज ब्लड प्रेशर और इंक्रीज ब्लड फ्लो आने लगता है अचानक से, तो किडनी के वेसल्स वेजो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं,
जब वो वेजो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे तो वो अपने ऊपर सह लेंगे, अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेंगे, वो आगे नहीं जाने देंगे ब्लड को किडनी की तरफ, किडनी के अंदर। ये बात समझ में आई है या समझ में नहीं आई? ये बड़ी क्रूशल बात है। इसमें आगे बैठे वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ये जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो की कैफियत है ये पीछे रह जाती है, वो वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करके आगे राह जो है वो तंग कर देते हैं, यानी रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा के वो इसको आगे नहीं जाने देते, इसको बेटे ऑटो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जिस बच्चे ने पूछा था कि इसकी ये कब कब होती है, तो बेटे ये 80 mmHg to 180 mmHg तक आपको, आप इतने फ्लक्चुएशन करें, यानी आप 80 यानी 100 जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है, मीन आर्टीरियल प्रेशर आपको याद होगा, वो 80 तक गिराएं या 180 तक बढ़ा दें, दोनों इतनी बड़ी रेंज के दौरान भी आपका जो ये जो ब्लड फ्लो है किडनी का ये कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अब सर अब आगे सुनो, ठीक है भाई, ओके चलो गुड। नाउ छोटा करता हूँ, अब मैं जरा ग्राफ पे आता हूँ, ठीक है। ग्राफ बहुत सिंपल है, यहाँ बेटे आपको ब्लड फ्लो दिखाया गया, ये देखो ब्लड फ्लो है, ये चलो मैं क्लियर करता हूँ, ये देखो ये ब्लड फ्लो दिखाया गया है, ये मीन आर्टीरियल प्रेशर दिखाया गया, ऐसा ही है। अब एक्स एक्सिस पे मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है और y एक्सिस पे उसने ब्लड फ्लो को बढ़ता दिखाया। अब आप क्या चाहते हैं, मैंने अभी आपसे क्या डिस्कस किया है कि जब आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़े हम नहीं चाहते कि साथ ब्लड फ्लो भी उसके साथ ही बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है, हम ये चाहते हैं ना। अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने से ब्लड फ्लो भी बढ़ना शुरू हो जाए साथ साथ, तो फिर मकसद ही फौत हो गया रेगुलेशन का। रेगुलेशन किस चीज की हुई फिर, है नहीं? अच्छा, अब वो कहता ये है, अब मैंने आपसे क्या कहा था 82 तकरीबन 180, अब ये देखो आप क्या जबरदस्त काम, स्ट्रेट लाइन की तरह, ये तकरीबन 80 है, 80 और ये तकरीबन 180 है, 180, यस नजर आ रहा है वो बच्चों, इसके दरमियान में जरा चेक कर लें कि ये जो लाइन है ये क्या कहती है, पिंक लाइन बनाता हूं मैं आज, क्या याद करोगे, ये देखो ये जो दोनों ग्रीन डॉटेड लाइन भी और रेड लाइन भी, ये जो इन दो लकीरों के दरमियान मैंने बनाई है थोड़ा सा फ्लैट या नहीं, फ्लैट है ना, इसका मतलब है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान, इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान, यानी तकरीबन 80 to 180 आप बढ़ाई जाए प्रेशर, बेशक प्रेशर बढ़ाई जाए, फ्लैट है ये बिल्कुल शाबाश, लेकिन ब्लड फ्लो पे कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, ब्लड फ्लो तकरीबन कांस्टेंट होगा, यस शाबाश, ये बात क्लियर है। इसको थोड़ा सा ज्यादा, अगर जिन बच्चों को बाल की खाल उतारने की आदत है उनके लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए, आप जरा थोड़ा सा इस पर और गौर करेंगे। आप ये देखें कि जो एक्यूट मैकेनिज्म है उसने फिर भी दो नंबरी दिखाई है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं दिखाई लेकिन थोड़ी सी दो नंबरी से दिखाई है, ये देखो यहाँ पे वो पढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म आप देखें, कमाल की उनकी कंट्रोल है, कमाल का कंट्रोल है उनका, कि उसने बिल्कुल ही फ्लैट हो गया और वो काफी हद तक बाद में फ्लैट रहते हैं, यानी 180 के आगे भी वो फ्लैट ही रहते हैं, ये कमाल होता है बेटे लॉन्ग टर्म रेगुलेशन का। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन याद रखो जनरली जरा लेट स्टार्ट होती है, ये देखो लेट स्टार्ट हुई है, एक्यूट पहले स्टार्ट हो गया, वो लेट स्टार्ट हुई, ये बाल की खाल उतार रहा हूं जिन बच्चों को ये ग्राफ पसंद है उनके लिए, बाकी बच्चों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें भी अगर याद रहे बहुत है कि जो मैंने प्रेशर रेंज बताई थी 80 to 180 उसके दरमियान में एक्यूट और क्रॉनिक दोनों मैकेनिजम्स ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं, ऐसे तरीके से करते हैं, फर्क सिर्फ ये है कि इन दो पॉइंट से नीचे और या ऊपर एक्यूट फारिग हो जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म फिर भी रहता है, ये बात मैं बताने की, ये बात क्लियर। गुड ओके
बाकी बचे? हाँ जी बेटे, यही मतलब है। जब तक ये स्ट्रेट है, इसका मतलब देखो ना, आपको समझो इस बात को, स्ट्रेट का मतलब क्या है, इस एक्सेस के अलोंग ब्लड प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन ब्लड फ्लो नहीं बढ़ रहा, ब्लड फ्लो कांस्टेंट है। यस, बाकी बचे मारिया, मारूशा, सानिया के अलावा मोमिना, मारिया, मुबीन, बशरा और बाकी बचे। ठीक है, गुड। मशाल, आयफा, अनीजा, महान, रिफत, अनीबा, शमा, गुड, हाजरा, गुड, ऑल राइट, गुड। जिसको मतलब है मामला कुछ बन गया। चलो आगे चलें, थोड़ा बस वक्त रह गया है, इस वाले में मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा। वंस अगेन, इसकी जो ऑटो रेगुलेशन की जो एक्सप्लेनेशन है, ये अगेन अगर समझ में आया तो ठीक है, ये यानी आप समझो कि ऑटो रेगुलेशन के पीछे टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल हो रही है, वो ये। अब आई बात समझ में, एक्सप्लेनेशन या टेक्नोलॉजी उसकी, तो दोनों जनाब यानी मेटाबॉलिक थ्योरी भी और मायोजेनिक थ्योरी होती है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन, मैंने एक्चुअली मैंने कर दी है, बता दिया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो आपस में लड़ रहे हैं बच्चे। मेटाबॉलिक थ्योरी तो हमने बात कर ली थी, ठीक है, मेटाबॉलिक थ्योरी बात की थी हमने अभी या नहीं की थी? वैसोडायलेटर थ्योरी इज कैन आल्सो बी कॉल्ड मेटाबॉलिक थ्योरी, के मेटाबॉलिक जब ज्यादा मेटाबॉलिज्म ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें चीजें बननी शुरू हो जाती हैं, चीजें बननी शुरू हो जाती हैं तो वो वैसोडायलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक थ्योरी भी एक तरह की वही चीज है। मायोजेनिक थ्योरी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी कि मायोजेनिक थ्योरी क्या होती है, कि जब प्रेशर पीछे से ज्यादा आ जाता है तो वो विजो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, वहीं उसको रेजिस्टेंस बढ़ा के वो ब्लड फ्लो को आगे नहीं जाने देता, ये है मायोजेनिक थ्योरी, ठीक है। ये वैसे डिटेल है, काफी डिटेल है, इसमें बहुत ज्यादा जाने की इतनी खास जरूरत नहीं। अच्छा, अब आगे दो रह गए, एक एक्यूट हाइपरीमिया और रिएक्टिव हाइपरीमिया। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, एक्टिव हाइपरीमिया का मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर टिश्यू की नीड बढ़ गई है ना तो उसका ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी कह लो या आप मेटाबॉलिक थ्योरी कह लो, यही देखा गया है कि किसी जगह का अगर मिसाल के तौर पर आपको अगर कहीं जख्म पड़ गया है, उंगली में उदाहरण खासतौर कोई चीज चुभ गई है या कट लग गया है, अब वहां पे आप महसूस करेंगे कि वो जगह वार्म हो जाए, वहां रेड हो जाएगा, ऐसा ही है ना, वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, तो ये दोनों काम होंगे ना। वो क्यों होगा? एक्टिव हाइपरीमिया हो गया, वहां पे ब्लड की ज्यादा जरूरत पड़ गई है तो वो वहां से वैसोडायलेशन हो गई और वहां पे ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो गया। या अगर एक मसल है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गई है, ये नॉर्मल एग्जांपल ये वाली होगी इसकी जो हम दे रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर उसकी बढ़ गई है, जैसे एक्सरसाइज वगैरह है या किसी वजह से उसकी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ गई है, तो उधर उस जगह का वैसोडायलेशन हो हुआ के वो वहां का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, चाहे वो वैसोडायलेटर थ्योरी के जरिए हो या ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी के जरिए हो, टेक्नोलॉजी डजंट मैटर, ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये ऐसा होता है। बात समझ में आ गई? ये बात ठीक है, ये बात हमने करी, सिंपल है। रिएक्टिव मजेदार है, आपने बचपन में वो कभी वो किया है अपनी दोस्तों में बैठी हो सहेलियां और जोर से किसी का हाथ मरोड़ा, मरोड़ा नहीं दबाया हो, या वो नहीं होता जो बचपन में बच्चियां करती होती थी, चूड़ियां काटती होती थी, यानी हाथों को ना जोर से दबा के मसलती थी ऐसे से करके, अभी यूट्यूब होती तो मैं तुम्हें करके दिखाता है, बड़ी गंदी वो बात होती है वो। क्यों? क्योंकि वो एक तो ब्लड फ्लो रुक जाता है, ऊपर से उसकी रगड़ से ना बहुत जलन होती है। आप उसमें किया होना तुम लोगों ने, शरारती हो सारे हैं। अब आप अपने आप पे भी ये रिएक्टिव हाइपरीमिया ट्राई कर सकते हैं, अपनी कलाई को जोर से पकड़े और दबाएं, जोर से दबाएं, पूरे जोर से, ठीक है, कंप्लीट जोर से, और मेरा ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, मैं थोड़ी देर में कनेक्ट करूंगा। जोर से दबा के आपको लगेगा ये ठंडा ठंडा होना शुरू हो गया हाथ, अब छोड़ दें। जो ठंडा हाथ हो रहा था जरा सुन, अगर ज्यादा ही जोर लगा दिया सुन भी हो गया हो, अब अगर आप महसूस करेंगे उसमें वार्मथ आना शुरू होगी। यस, ये है बेटे रिएक्टिव हाइपरीमिया। अब ये होता क्या है, ये जो इंक्रीज ब्लड फ्लो है रिएक्टिव हाइपरीमिया का, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब आप जोर लगा के बैठे हुए थे, जब आपने अपनी कलाई को पकड़ा हुआ था जोर से, तो जो हैंड है वहां पे
ब्लड फ्लो की डेफिशिएंसी थी, कम हो गया था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी कम पहुंच रही थी, ठीक है ना। लेकिन जो हैंड के सेल्स हैं वो तो बेचारे वैसे के वैसे ही है ना, वो तो जिंदा हैं और वो उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन हर वक्त दरकार है वगैरह वगैरह। तो वो क्या कर रहे थे कि वो उधारी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे थे, वो जो कुछ भी आसपास मायोग्लोबिन वगैरह पड़ा था दाएं बाएं वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे कि कहीं से किसी तरह से उधार मिल जाए। तो आप बकायदा एक ऑक्सीजन डेट में चले जाते हैं, ऑक्सीजन के उधार में चले जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन डेट, ऑक्सीजन डेट पे जाते हैं। उस ऑक्सीजन डेट में वो ज़ाहिर है वो भी जरूरी है, ऑक्सीजन उस वक्त मैसर होनी चाहिए, ठीक है, तो काम चल जाता। जब आप अपना हाथ छोड़ते हैं, कलाई छोड़ते हैं, तो ब्लड जो है ना उसने वैसे तो आराम से आना था, लेकिन ऑक्सीजन डेट की वजह से, ऑक्सीजन डेट की वजह से क्या होता है कि इंटेंस विजुडाइलेशन होती है, अचानक होती है, क्योंकि डेट तो किसी को पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि डेट को फौरन पूरा करना चाहिए, तो ब्लड को बहुत ज़्यादा जल्दी अलाउ किया जाता है एक इंस्टेंट विजुडाइलेशन के जरिए, वही जल्दी से आए ऑक्सीजन दें ताकि हम अपना डेट पूरा करें, ठीक है। ये है जनाब अली रिएक्टिव हाइपरिंग, ठीक है, आगे चलें। अच्छा, ये मैं ग्राफ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये एक्यूट और क्रॉनिक जो है रेगुलेशन का डिफरेंस है। ये ग्राफ जिनको मैथमेटिक्स से दिलचस्पी है या थोड़ा सा डिटेल पढ़ने की दिलचस्पी है, वो इन दोनों की जो कर्व्स हैं उनसे काफ़ी अखज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। रेड कर्व से पूरे कहानी डिलीवर होती है और ग्रीन कर्व की भी एक कहानी डिलीवर होती है। मोटे मोटे इसके जो हैं बहुत हाल ये बताते हैं कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन देर से आती है लेकिन लंबे 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 अरसे तक रहती है, और एक्यूट जो है वो जल्दी आ जाता है लेकिन वो ज़्यादा देर तक रेगुलेट नहीं कर पाता, लेकिन उस रेंज में ज़रूर रेगुलेट करता है जिस रेंज का हमने जिक्र किया है, और उसके बाद ब्लड फ्लो उतना ही बढ़ेगा जितना आप ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, मतलब गड़बड़। अब फाइनल पॉइंट, फाइनल चीज़ें ये रह गई हैं कि एंजियोजेनेसिस क्या है। एंजियोजेनेसिस बेटे कहते हैं नए वेसल्स के बनने, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपका राइट हैंड, राइट आर्म जो है, अपर लिम जो है, वो ज्यादा मस्कुलर होगी लेफ्ट से, ठीक है। इसी तरह से बॉडी बिल्डर्स होते हैं, एक्टिव और रिएक्टिव बेटा, डिफरेंस सिर्फ ये है एक्टिव में कोई बंदिश नहीं है, पहले स्टिमुलस समझ लो, स्टिमुलस एक्टिव का बंदिश नहीं है, जैसे ही टिश्यू को रिक्वायरमेंट हुई वैसोडायलेशन हो गई और ब्लड फ्लो एक्स्ट्रा आ गया। रिएक्टिव में बंदिश होना जरूरी है, पहले बंदिश हुई और जब बंदिश हटी तो फिर फटाफट ब्लड को डायलेट करके करा के फौरन ब्लड को पहुंचाया गया और उसने वहां जो भी बंदिश के दौरान जो भी डेट हुआ था ऑक्सीजन का उस डेट को पूरा किया गया। अक्सर अब ठीक है, नहीं ठीक तो पूछ लो। आप ये मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये जो आपने एग्जांपल दिया है ये प्रैक्टिकल तो जाहिर नहीं है, ये तो समझाने के लिए थी, बॉडी में कहीं एक्चुअली भी रिएक्टिव हाइपरीमिया का कोई एग्जांपल बनती है, क्या ख्याल है? सवाल अच्छा नहीं, ये मैंने अपने आपसे खुद ही किया। हेलो, अच्छी अच्छे पॉइंट है ना, सवाल है तो आप जवाब भी दे दो। नहीं, ये क्या हुआ, मैं सवाल ही मैं ही करूं जवाब ही मैं ही करूं, ये तो कोई बात ना हुई। चलो ऐशा हनीफ, मैं कहता हूं बेटे अब छा गए। अच्छा नहीं, होल्ड ऑन, मैंने ये वीडियो में तो मैंने कहा होगा, मैं भूल जाता हूं कि मैंने वीडियो भी तो आपको सेंड की हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जब कोई कॉरोनरी ब्लॉक होती है तो बंदिश आ गई, अब उस ब्लॉक के आगे जो वेसल है और वो जिस जगह गरीब जगह को प्रोवाइड कर रहा था ब्लड, वो मायोकार्डियम को तो मुसीबत पड़ गई, वो डेड में चला गया,
आपने अगर तो ये बंदिश खैर से वक्त अच्छे वक्त पे दूर कर दी तो वो जो मायोकार्डियम है जो यहाँ से शराब हो रही थी वो बच जाएगी, लेकिन वो रिएक्टिव हाइपरीमिया आपको दिखाएगी, यानी वो ज्यादा ऑक्सीजन मांगेगी आपसे जो ब्लड अंदर आ रहा है और वो उसको पहुंचानी पड़ेगी आपको। अगर आपने देर कर दी तो मसल जो है वो इतना जो पार्ट है मसल का वो मर भी सकता है। इस्कीमिया और इन्फार्क्शन में जो फर्क है, तो शाबाश, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या इस्कीमिया ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ अ कोरोनरी इज एन एग्जांपल ऑफ रिएक्टिव हाइपरीमिया। ओके, अब लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म्स में, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में दो चीजें, एंजियोजेनेसिस और कोलैटरल्स, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में हम पहले एंजियोजेनेसिस पढ़ते हैं, ठीक है। एंजियोजेनेसिस सिंपली क्या है? एंजियोजेनेसिस है कि वैस्कुलर जो है, वैस्कुलैरिटी, वेसल्स नए बनने शुरू हो जाते हैं ऐसे मसल्स में जिनका, मैं बॉडी बिल्डर्स की आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको नहीं भूलेगा। एक मिनट, सर जब कुछ सो जब स्लीपिंग मोड में जाता है तब भी रिएक्टिव हाइपरीमिया होता है, सर जब स्लीपिंग मोड में जाता है, ये बट स्लीपिंग मोड क्या होता है हमें भी बताओ, यानी जब सुन हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो सुन किसी वजह से होता है ना, उसको आपने दबा के रखा होता है, उसको फोल्ड करके आप बैठे हुए होते हो, तो जैसे ही आप उसको निकालते हो, उसको सीधा करते हो, बिल्कुल यही होता है, रिएक्टिव हाइपरीमिया होता है। और वो सुन इसलिए हो जाता है कि आपको ज्यादा ही आपने बंदिश कर दी, इतनी भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। चलो जी, एंजियोजेनेसिस का मतलब है वैस्कुलरिटी चेंज हो जाती है। बॉडी बिल्डर्स की आपके साथ मिसाल देने लगा था, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके मसल्स, वो मसल्स पे ज्यादा प्रेशर रखते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट मसल्स की खुद से बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, मसल्स जब अपनी अपने साइज को बढ़ाता है, अपने सेल्स के साइज को भी बढ़ाता है, और नंबर ऑफ, दो चीजें होती हैं बेटे, जब हाइपरट्रॉफी होती है ना मसल की, हाइपरट्रॉफी तो समझते हो, तो हाइपरट्रॉफी दो चीजों में होती है, एक नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं और साइज ऑफ ईच सेल भी बढ़ता है, यानी हर जो मसल फाइबर है अपने साइज भी बढ़ाएगा और नंबर ऑफ जो सेल्स हैं मसल के वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब मसल के इसका मास बढ़ गया, नंबर भी बढ़ गया, साइज भी बढ़ गया, तो जाहिर है अब आपको वेसल्स भी बढ़ाने होंगे, वरना आप इनको कैसे सप्लाई करेंगे। अब पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है तो जाहिर है पानी और दूसरी सप्लाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उस चीज को कहते हैं एंजियोजेनेसिस, के जब आप इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन एक टिश्यू करना शुरू कर दे, लगातार करना शुरू कर दे, तो उसकी वैस्कुलैरिटी को भी बढ़ा दिया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है, अगर बाल की खाल उतारनी हो तो वो ये ऐसे बढ़ाया जाता है, ठीक है। ये वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, एंजियोजेनिन, ये सारी वो हॉर्मोन्स हैं, लोकली प्रोड्यूस्ड हॉर्मोन्स हैं, फैक्टर्स हैं जो कि एंजियोजेनेसिस करने में बॉडी को मदद देते हैं, ठीक है। इतनी डिटेल आपको नहीं आएगी, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म में दो मैकेनिज्म होते हैं। एक एंजियोजेनेसिस है, जिसमें अगर टिश्यू का जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो बढ़ जाए उसके साइज बढ़ने की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसकी वैस्कुलैरिटी को इंक्रीज कर दिया जाता, ठीक है। चलो, लास्ट या सेकेंड लास्ट पॉइंट ये है कि कोलैटरल्स क्या होते हैं। कोलैटरल्स ये होते हैं कि मिसाल के तौर पर, यहाँ पे ड्राइंग आपको बना देते हैं, मिसाल के तौर पर जनाब अली, ये एक कॉरोनरी वेसल है, यहाँ पे खुदा ना खास्ता एक क्लॉट सा बन गया है, यहाँ ब्लॉकेज हो गई है, ठीक है। नहीं, दोबारा से कॉरोनरी बनाई आपने और क्लॉट्स आप जो हैं वो कुछ ऐसे बने, यानी पहली डायग्राम में गलती से बन गई और दूसरी डायग्राम में फर्क ये है कि यहां से होते हुए अभी ब्लड फ्लो जारी हो सारी, ये बात समझ में आ गई। लेकिन बहरहाल ये जो अमाउंट है ब्लड की, ये जो अमाउंट है ब्लड की, इस ब्लॉकेज के बाद यहां पे इधर कम हो जाएगी, क्योंकि आधे तकरीबन आधा ल्यूमन तो इसने रोक के रखा हुआ है, ऐसा ही है। तो इस पोस्ट ब्लॉकेज में इससे आगे ब्लड की बहरहाल कमी महसूस होगी हार्ट मसल को, खास तौर पर हार्ट में होता है, ठीक है। तो ब्लॉक के से पहले एक, हाँ, बायपास, ये वर्ड सही है, बायपास बन जाएंगे ऐसे कर, बस ये कंट्रोल में नहीं है बेटे, पहले मैं माउस से कर रहा हूं जो करना करने की कोशिश कर रहा हूं, ये बायपास बन जाएंगे, कोलैटरल्स बन जाएंगे,
जो इस ब्लॉकेट को बाईपास करते हैं, बस इतनी सी बात है, इन्हें कोलेट्रल्स कहते हैं। तो देखा गया है बच्चों, साथ हो मेरे, हेलो हेलो, हाँ ओके थैंक यू। तो देखा गया है कि कई ऐसे हार्ट पेशेंट्स जिनको अभी खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक नहीं हुआ, लेकिन उनको थोड़ा बहुत उनकी कॉरोनरीज में ब्लॉकेट हो जाया करता है, लेकिन कंप्लीट ब्लॉकेट नहीं होता, तो उनको माशाल्लाह हार्ट अटैक नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि वो वर्जिश क्योंकि जारी रखते हैं, तो क्या होता है कि वर्जिश की वजह से मायोकार्डियल में मायोकार्डियम एक्टिव रहती है, उसमें ब्लड सप्लाई जारी और सारी रहने की कोशिश होती रहती है। इसकी वजह से क्या होता है कि वेसल्स अपनी मदद आपके तहत कोलेट्रल्स बनाते रहते हैं, यानी उस ब्लॉकेड ब्लॉक्ड आर्टरी का बाईपासेस बनते रहते हैं ताकि मायोकार्डियम को नुकसान ना पहुंचे। ब्लॉकेट अपनी जगह खुशोखरम रहे बेशक, लेकिन साथ ही कोलेट्रल्स बन जाए। अब क्या होगा, लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि मैं कहता हूं अगर ये ब्लॉक कंप्लीट भी हो जाए, पूरा ब्लॉक भी कर दे, तो ये तो अब आर्टरी हो गई बंद, ऐसा ही है ठीक है। लेकिन अगर ये बाईपास की जद में नहीं आई तो ब्लड यहां से आएगा और वो बाईपास हो जाएगा ठीक है, ये ब्लॉक होता रहे, समझ आ गई। ये है फायदा कोलेट्रल वेसल्स का ठीक है। बोल पढ़ो आखिरी खुद ही देख लेना, दीज आर वेजो डायलेटरी, कुछ वेजो डायलेटरी कंस्ट्रक्टर एजेंट्स होते हैं जो वेजो कंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ वेजो डायलेटरी एजेंट्स होते हैं जो वेजो डायलेट करते हैं। इसमें समझाने की कोई खास बात नहीं है, ये बस एक लिस्ट है।